हाय स्टूडेंट्स, आई नो दैट आप सब ने अब तक जेईई और नीट की इंटेंस प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। इस प्रिपरेशन के दौरान आप सब के मन में बहुत सारे सवाल आएंगे। फॉर इंस्टेंस, व्हाट बुक्स टू स्टडी फ्रॉम, बोर्ड्स और एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को मैं कैसे बैलेंस करूं, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करूं एंड सो ऑन। अब इसमें से एक पर्टिकुलर सवाल जो बच्चों को बहुत परेशान करता है वो है कि किन किताबों से हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ें। अगर आप में से कोई किसी बुक शॉप में गया है किताब खरीदने, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स वी हैव इज इतने सारे ऑप्शंस हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि हम किस किताब को चुने। तो इस सीरीज में हम आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ सजेशंस देंगे विच विल हेल्प यू डू योर जेईई एंड नीट प्रिपरेशन इन अ मच बेटर वे। तो मैं शुरुआत करने वाला हूं इन द सब्जेक्ट दैट आई स्पेशलाइज इन, विच इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चों को लगता है कि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, नेचुरली मार्केट में आपको बुक्स भी बहुत सारे दिखेंगे। सो फर्स्ट थिंग आई वांट टू सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बिफोर बाइंग एनी रेफरेंस बुक, एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक, द वन बुक विच यू ऑल मस्ट हैव विद यू इज द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अगर आप जेईई और नीट के पिछले कुछ सालों के सवाल देखो, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द जेईई एंड द नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली उठाए जाते हैं। In fact, more than 60 to 70% questions are directly from some paragraph of the NCERT textbook or the other. So before going on to any other textbook, please make sure that आप सबसे पहले NCERT की 11th standard और 12th standard की किताब अपने पास रखें। तो hopefully now all of you clearly understand that NCERT textbook is the first textbook जो आप रेफर करेंगे। अब NCERT textbook के अलावा केमिस्ट्री के 3 सेक्शन में कौन कौन सी किताबें चाहिए इसके बारे में बताता हूं। केमिस्ट्री के 3 सेक्शन आप सब जानते ही हैं, एक है फिजिकल केमिस्ट्री, फिर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हर सेक्शन में मैं आपको एक रेफरेंस बुक बताऊंगा जिसमें थ्योरी ज्यादा होगी, विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, और उसके बाद एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए किताब बताऊंगा जिससे आप सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री हैज अ लॉट ऑफ वेटेज इन द जेईई एंड द नीट। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो रेफरेंस बुक मैं सजेस्ट करूंगा, दैट इज अ बुक कॉल्ड जनरल केमिस्ट्री बाय एबिंग एंड गैमन। ये काफी मोटी किताब है, बट इस किताब में कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किए गए हैं। सो अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से नहीं समझ रहा है, सो दिस इज अ गुड रेफरेंस टेक्स्ट बुक फॉर यू टू गो एंड अंडरस्टैंड इट बेटर। अब वंस आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ गए, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अब ये प्रॉब्लम्स आपको 2 किताबें मैं सजेस्ट करूंगा, उनमें से आप कर सकते हैं। और आई वॉन्ट टू रीइटरेट अगेन, प्लीज दोनों किताबें यूज मत करना, इनमें से कोई एक ही किताब यूज करना। सो द 2 सजेस्टेड बुक्स आर ए फिजिकल केमिस्ट्री बाय RC मुखर्जी। ही इज अ वेरी फेमस ऑथर और ऑलमोस्ट किसी ने भी अगर जेईई एग्जाम क्लियर किया है या नीट एग्जाम क्लियर किया है उसने जरूर इस किताब से पढ़ा होगा, ये काफी सालों से चल रहा है। और देयर इज वन मोर बुक दैट इज इक्वली फेमस विच इज फिजिकल केमिस्ट्री बाय P बहादुर। So you can either use the RC Mukherjee textbook or the P Bahadur textbook. इनमें से कोई एक चुनना और आप सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, which will help you perform in the exam better. So let us move on to the next section in chemistry, which is organic chemistry. Organic chemistry again has a huge importance in the JEE and the NEET. बहुत सारे सवाल organic chemistry से आते हैं, so it's something you should focus on a lot. So after the NCERT, the reference book that you should use, यहाँ पे आपके पास 2 choices हैं. So there is one book called Organic Chemistry by Morrison and Boyd. This is a very famous textbook जो once students IIT के अंदर जाते हैं उसके बाद भी जो chemistry courses होते हैं उसी book से पढ़ाया जाता है। So that's a good textbook for you to understand the theory from. एक disadvantage है इस book का, एक तो ये बहुत बड़ा है, इसमें जो theory है it is basically written in a rather boring format, but it is very useful for you to understand the concept. तो अगर आपको केमिस्ट्री पसंद है, Morrison and Boyd is a good place for you to start reading and understanding it. अगर आपको यू वांट अ बुक दैट हैज मोर इलस्ट्रेशंस, आई वुड सजेस्ट अ बुक कॉल्ड बुक फ्रॉम ऑथर्स हु आर नेम्ड सोलोमन एंड फ्राइल, ग्राहम सोलोमन एंड क्रेग फ्राइल। इनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताबों में इलस्ट्रेशन ज्यादा है। कंटेंट इन बोथ मॉरिसन एंड बॉयड एंड ग्राहम सोलोमन फ्राइल इज द सेम, बट क्योंकि इसमें इलस्ट्रेशन ज्यादा है बहुत सारे बच्चे द सेकेंड बुक को प्रेफर करते हैं। आप इन दोनों में से किसी एक बुक को चुन लीजिए एंड मेक दैट एज योर थियोरी टेक्स्ट बुक। तो वंस यू हैव फिनिश्ड विद द थियोरी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो इन दोनों में से किसी एक किताब से आपने कर लिया है, इट इज टाइम टू मूव ऑन टू प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स अगर आपको करना है, देयर इज वन बुक दैट आई वुड हाईली रिकमेंड विच इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय M.S. चौहान। M.S. चौहान की किताब हैज बीन यूज्ड बाय स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड द जेईई एंड नीट ओवर द इयर्स, सो आई वुड हाईली रिकमेंड इट। इनफैक्ट इसकी अलग वर्जन आती हैं जेई के लिए और नीट के लिए। सो अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग ऑन, अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज बाय द जेई वर्जन, और अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज यूज द नीट वर्जन। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉरिसन एंड बॉयड, ग्राहम सोलोमन, इनमें से एक किताब and the practice problem book by M.S. Chauhan should be more than enough to cover your organic chemistry needs. फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद केमिस्ट्री का एक ही सेक्शन बचा है जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को सबसे ज्यादा इंटिमिडेटिंग लगता है बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा याद करनी होती है चीजें। सो द फर्स्ट एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव ऑल ऑफ यू इज योर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज टू बी द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। More than 80% of the questions in the JEE and the NEET are directly from the NCERT textbook। जब inorganic chemistry की हम बात करते हैं तो अगर आप NCERT textbook की theory अच्छे से पढ़ लो, you are more than 80% sorted in inorganic chemistry। अगर आपको फिर भी और थोड़ा पढ़ना है, if you want to know advanced concepts and practice more, there is an additional book which is called Concise Inorganic Chemistry by J.D. Lee। तो ये काफी फेमस टेक्स्ट बुक है जो जेई एडवांस्ड के लिए बच्चे तैयारी करते हैं इस किताब से। इसमें देयर आर नो क्वेश्चंस बट अ लॉट ऑफ थ्योरी, और इससे कभी कभी जेई एडवांस के सवाल डायरेक्टली उठाए जाते हैं। सो दैट्स दी ओनली थ्योरी बुक और रेफरेंस बुक आई वुड सजेस्ट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन एडिशन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लास्ट पार्ट है सॉल्ट एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसके लिए एक किताब आती है वोगेल की। ये किताब में एक्सटेंसिव रिएक्शंस हैं अबाउट डिफरेंट ग्रुप्स एंड रेडिकल्स। सो अगर आप जेई एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दिस बुक इज ऑल्सो रिकमेंडेड, ऑल्दो इट इज नॉट अ मस्ट। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टेक्स्ट बुक्स विच इज जेडी ली, फर्स्ट ऑलवेज डू द एनसीईआरटी, देन द जेडी ली, और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए वोगेल, इज इनफ टू कवर योर थ्योरी नीड्स। अगर आपको प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी है, अ गुड सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय वीके जायसवाल, और संगेज पब्लिकेशंस की 2 वॉल्यूम की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस प्रॉब्लम बुक आती है। तो इन दोनों में से वीके जायसवाल की किताब या संगेज पब्लिकेशंस की किताब, इन दोनों में से अगर आप कोई भी एक सोर्स यूज करके प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो, दैट शुड बी मोर देन इनफ फॉर योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपरेशन। सो आई होप दैट इंफॉर्मेशन वॉज यूजफुल फॉर यू, और आपको अभी क्लियरर आइडिया लग गया है कि दुकान जाके कौन सी किताबें खरीदनी है। तो अगर मैं समराइज करूं, सबसे पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का कंप्लीट यूटिलाइजेशन करना, दैट इज द फर्स्ट टेक्स्ट बुक जिससे आप पढ़ेंगे। उसके अलावा केमिस्ट्री के तीनों सेक्शन में, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ट्राई टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ बुक्स जिससे आप पढ़ रहे हैं। हर सेक्शन में एक थ्योरी बुक और एक प्रॉब्लम बुक, सिर्फ उतने से ही पढ़ना, उससे ज्यादा से मत पढ़ना, बिकॉज ज्यादा टेक्स्ट बुक्स का मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा सीखेंगे, उससे बस आपकी कंफ्यूजन बढ़ेगी। एंड इफ यू रियली वॉन्ट मोर प्रॉब्लम्स टू प्रैक्टिस, प्लीज गो टू आवर अवंती गुरुकुल ऐप and download that app today. There are lots of questions for you to practice अगर कभी भी problems की कमी आ गई, and I hope you utilize all of this and do really well in your chemistry section over the next 2 years. तो जैसे आज हमने chemistry की recommended books की list देखी और आपका confusion हटाया by suggesting the books that you actually need, we will release similar videos for physics, mathematics and biology. Make sure you don't miss this information by subscribing to our YouTube channel. And stay tuned for more information about similar videos in the future. Happy learning.